महाविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठ त्रयं भैरवं सिद्धौ भगवत त्रयं भैरवं गिरिक्रम मंडलम वीरानस्तु विशेषनौकम वीरावली पंचम श्रीमन्माण्य मंत्रासेकम वंदे गुरुर्मंडलम। गुरुमंडल को नमस्कार करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के आगे दूसरे दिन आपका आप सभी का निखिल चेतना केंद्र की ओर से आह्वान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निखिल चेतना केंद्र की स्थापना मैं इसलिए की थी कि साधना करने के लिए किसी को स्थान नहीं है तो भारत में वो एक स्थान बने, यहां लोग साधना आकर कर सकें। क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कही हुई साधनाएं सफलतादायक है ही है और सिद्धि प्रदायक भी है, लेकिन हमारे कहने या हमारे करने का विधान अगर हम बदलते हैं तो हमें उसमें यश या कीर्ति मिलने का काम होता है। आज 17 साल हो गए निखिल चेतना केंद्र की स्थापना हुई, आप सब आ रहे हैं, नए आए, कुछ जुड़े कुछ पिछड़े, यह काम होता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर भी मन में एक कचोट हर दम यही बनी रहती है कि कोई ना कोई तो एक ऐसा साधक हो जो छाती ठोक कर कह सके कि मैंने 10 महाविद्या सिद्ध की है। मैं आपको यहाँ खड़े खड़े बताऊंगा कि काली मेरी सिद्ध है, मैं काली मंत्र बोलूंगा और काली प्रत्यक्ष होगी, ऐसा कहने वाला भारत में ऐसा कोई नहीं मिल सका केवल परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सिवा। और यह कार्य जब तक नहीं होता तब तक हम जो आजकल कर रहे हैं यह केवल अपने पेट ही के लिए, वो तो कार्य चलता ही चलता ही रहा। मेरी बच्ची की शादी, मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरे को बीमारी हो गई, मेरा हो गया ये हो गया, ऐसे चलता है। मैं नहीं तो तुम्हें हजारों गुरु मिल जाएंगे काम करना कराने के लिए, तुम्हारी बेटियों की शादी करने के लिए, तुम्हारे धन को देने के लिए। लेकिन गुरु जी का क्या उद्देश्य था? गुरु जी का उद्देश्य था सिद्धाश्रम को पहुंचना, उस सिद्धाश्रम में जहां 10 महाविद्याएं सिद्ध है। क्या हम उस ओर अग्रसर हैं? 17 साल तक इंतजार किया कि कोई ना कोई साधक ऐसा तो जरूर मिलेगा कि गुरु जी मैं 10 महाविद्याएं सिद्ध करने के लिए आपके पास आया, आपके पास बैठा हूं और आपके पास साधना करूंगा। आते हैं 2 वर्ष में आए थे, तीसरे वर्ष शादी का किस्सा जरूर होता है, गुरु जी मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ शादी कर लूंगा, अब खास मैं सिद्धि करवाऊंगा 10 महाविद्या। फिर उसके बाद उसके बच्चे हुए, बच्चे के बाद कार्यक्रम छूटा, काम चला। फिर आए कोई ऐसा है, अभी हमारे पास है कुछ साल, अपने आप को ब्रह्मचारी बदला लेते हैं, लेकिन कभी उनको बोले तो 2 मिनट में, गुरु जी माँ का कैसा करूँ, गांव में रहती है, पिता का कैसा करूँ, गांव में रहती है, मेरे नौकरी का क्या, मेरे पास पैसा नहीं, गुरु जी कैसा करूँ। तुझे इस बात की चिंता क्या, जहाँ पेड़ पौधे खाकर चले या खाने की तो कोई कम नहीं, लेकिन फिर भी तू चिंता करता है। 17 साल में अगर तू ये बात कहता है या किसी को कुछ कंप्लेंट करता है तो तू आज तक कहाँ? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस 10 महाविद्याओं के लिए सिद्ध करने के लिए, जो जंगल में जाकर रहने के लिए, जो चीज हमें में चाहिए, जो तपस्या, जो साधना, जो समर्पणता चाहिए, उसके लिए ढूंढता रहा। आखिरकार मुझे इस जन्म दिवस पर कहना ही पड़ा कि मैं 3 साल तक उस 10 महाविद्याओं की साधना के लिए जा रहा हूं या फिर सिद्धाश्रम की साधनाओं के लिए जा रहा हूं। जो कार्य गुरु ने कहकर छोड़ा है उसको पूर्ण करूंगा और 3 साल के बाद एक दिन जरूर इसी निखिल चेतना केंद्र में मंत्र बोलकर काशी को सिद्ध, कार्य को सिद्ध करवा के बताऊंगा। कम से कम आपको कहने से, आपके पास से, मैं इस बात को लाने से पहले मैं इसको करके सिद्ध करके बताऊं। मेरा कार्य ये था, मेरे पास 2 रूम में मैं जीता था इसी हैदराबाद में। मेरे को साधना करने के लिए बहुत कठिनाई होती थी, कहीं श्रीशैलम के जंगलों में जाता था, वहां जाने के बाद वहां के लोग भी परमिशन देने के लिए आगे पीछे करते थे, नदी पर साधना के लिए जाओ तो लोग कहते थे रात में यहाँ बैठ के क्या कर रहे। मुझे इस बात का दुख था कि साधना करने के लिए कहीं भारत में स्थान नहीं है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ टोंच में मारता है, इसलिए मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। स्थापना किया गया, पूरी तरह से फंस गया, कैसा फंसा, साधक आने लगे, उनका खाना पीना देखना, स्कूल बिल सब देखने में बस इसमें जिंदगी 17 साल गुजर गई। अब उनको देखते रहो तो साधना नहीं होती। निर्णय ले लिया कि आगे उनके लिए पूरा इंतजाम करके, जो साधना यहाँ कर रहे हैं उनके लिए इंतजाम करके यहाँ से जाऊंगा, लेकिन
उस गुरु वचनों को सिद्ध करके बताऊंगा कि जो गुरु जी ने कहा है कि दशमा विद्या सिद्ध हो चुकी है। उनके 150 पुस्तकों में ये बात उन्होंने गुरु साधना के मार्ग से गुरु जी ने कही है कि साधना सिद्ध होती है। अगर हम ये कार्य नहीं कर सके तो फिर निधि देना, इनकी स्थापना या गुरु का नाम लेना या सिद्धाश्रम का नाम लेना हमारे लिए एक मामूली सी बात, एक हास्यास्पद बात। हम गुरु जी का हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। हम जब तक हमारे में निष्ठा ये भावना नहीं आती कि हमने से हमको सिद्धाश्रम साधना या सिद्धाश्रम पहुंचा है, गुरुवाक्य को सिद्ध करके बताना है, तब तक हम क्या कर रहे हैं, केवल अपना जीवन चला रहे हैं। गुरु चार पहनते गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र करते हैं और दूसरे दिन आते हैं, गुरु की शादी नहीं हुई, मेरी बहन की शादी नहीं हुई, बच्ची की शादी नहीं हुई और यही कार्य चल रहा है। अब जिनका हो भी गए हैं वो लोग आना छोड़ दिए, जिनके कार्य हो गए बस उसके बाद में आना छोड़ दिए, क्योंकि उनके काम हो गए, बच्चे हो गए, पोते हो गए, पोतियाँ हो गए। अब गुरु जी अगर भी मैं कभी मिले तो बोलूँ क्या हुआ भाई आप नहीं आ रहे, गुरु जी आपका बूढ़ा हो गया ना, गुरु जी नाती पोती हो गए, उनको देखने में टाइम चल रहा है, जब तक नहीं हुआ तब तक आए, अब बूढ़े हो गए तब नहीं आ रहे। इस प्रकार अगर चला तो मुझे गुरु जी का कहना वो आज अनुभव हुआ कि जैसे तू इनको कुछ भी कर, ये लोग तेरे को यही पूछते हुए आएंगे, यही पूछते हुए चले जाएंगे, साधना के मार्ग में तेरे साथ आने के लिए नहीं। इसलिए फिर भी प्रयत्न करते हुए कहा जन्मदिवस के दिन कि 41 दिन की साधना जो करेगा मैं उनको मेरे साथ दशमा विद्याओं की साधना को इस 3 साल में जाते समय मैं ले जाऊंगा। और साधना के लिए मैंने कंडीशंस रखे कि पहले 10 दिन 40 दिन में पहले 10 दिन आप एक समय भोजन करते हुए ओम परम नाम का जप करेंगे, फिर 10 दिन केवल दही भात खा करके तत्वाय नाम का जप करेंगे 1 लाख, फिर तीसरी बार केवल फल और दूध पी करेंगे नारायण आए, और बाकी के 10 दिन 40 दिन भिक्षा मांग कर खाना खाके आप गुरुभ्यो नमः का मंत्र जप करेंगे और 41वें दिन मेरे पास आएंगे, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब यह साधना जब से बताया हूँ मेरी परेशानी शुरू हो गई, क्या गुरु जी भिक्षा हम कैसे लें, हमारे घर में ले सकते हैं क्या, मेरे घर के बालू के वाले पास जाके ले सकते हैं क्या, गुरु जी मंत्र अगर परम इस बार कर दिया तो 10 दिन में नहीं हुआ तो आगे तत्वाय में परम मिला ले सकते हैं क्या। अरे मैं बड़ा काय को बोला भाई, इनको अगर साधना बोलना था तो नहीं बोलना ठीक। यहाँ से साधना आरम्भ हुई, करते 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 जब मैं अभी इस बार पूरे लोगों को बोला भाई तुम साधना किए हो तो ये बोलो कि मैंने 41 दिन की साधना पूर्ण नियम के अनुसार की है, और नहीं की है तो नहीं की है, पूर्ण नियम के साथ मेरी साधना नहीं हुई, लेकिन साधना पूर्ण हुई ये बात नहीं, तो ताकि मुझे ये लगे कि मैं तुमको किन लोगों को यहाँ से ले जाऊँ, किन लोगों को मेरे साथ साधना में साथ में रखूँ। मैं क्यों चाहता था कि 17 साल में का शायद कुछ ना कुछ 40 दिन के साधक तो मिल जाएंगे, कोई कोई एक दो तो मिलेगा। वैसे मेरे पास लिस्ट तो 150 लोगों की आई कि हमने 41 दिन की साधना की। अब उसमें ये छांटना है कि किन लोगों ने साधनाएं ठीक तरीके से की हैं, किन लोगों ने इसमें कोई भी किसी प्रकार का अभाव प्रभाव नहीं किया है। सब लोग अपनी तरीके से बताते गए, गुरु जी मैं साधना करते रहा तो बीच में ऑफिस में जाना पड़ा, गुरु जी भिक्षा नहीं हुई, भिक्षा मेरे पति से ही ले लिया, अरे भाई ले लिया तो ले लिया, कुछ ना कुछ किया। मेरी स्थिति आखिर में ऐसी आ गई कि तूने किया, आखिर में वो कर गुरु जी नौकरी करता हूँ नहीं हुआ, केवल 10 दिन में ऊपर गुरु भगवान भिक्षा मांग कर साधना करके मेरे पास आ। फिर उस भिक्षा मांगने पर भी मैंने रखा कि उसको बाहर भिक्षा मांगनी नहीं होती तो तू आश्रम में रह कर भिक्षा मांग। वो भिक्षा मांगने पर भी मैं ही प्लेट तैयार करके दिया, मैं ही प्लेट को हाके दिया, मैं ही भिक्षा मांगने लेगा, मैं ही भिक्षा। इस प्रकार से भिक्षा मांगने की हुई। अब मुझे बताओ कि मैं कहाँ तक सिद्ध हूँ, अभी उनकी सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ तक सिद्ध हूँ कि उनको सिद्ध किया। मेरी सिद्धि नहीं है इसलिए मुझे ऐसे साधक मिले। साधक वो होता है एक बार गुरु जी के मुख से वचन निकला, उस वचन का पालन हो और पालन करके वो आके कहे कि गुरु जी आपकी साधना सिद्ध हुई, लो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ऐसे कितने लोग हुए, ऐसे कितने लोग आए, क्या ये कोई असंभव सिद्धि है, क्या ये कोई असंभव कार्य है। मैंने आपको बताया आपके घर का ही खा के आपको करने के लिए बोला हूँ, आप उसके लिए भी अगर उसमें अड़चने निर्माण करते हुए अपने अभावों को बताते गए तो आगे इन साधनाओं को किस तरह करें, किस तरह करना चाहिए। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि परम पूज्य की सद्गुरुदेव जी की कही हुई असंभव सा कार्य भी संभव करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आया हूँ। इसके लिए आज मैंने कंकण बांधा है कि आप जो काम आपसे नहीं होता बोलते हैं, मैं आपसे वही काम करवाऊंगा।
दशमा विद्या सिद्ध नहीं होती, क्यों नहीं सिद्ध होती, क्यों तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। जबकि गुरु जी ने भौतिक साधनाएं सफलताएं या लक्ष्मी साधनाओं में यह कहा है कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। हमारे ही पुराणों में एक महान ऋषि थे, महान राजा थे, जिनका नाम था ययाति। ययाति इतने श्रेष्ठ राजा थे कि उनके राज्य में प्रजा कोई अन्याय, कोई पाप, कोई दुराग्रह, कोई उपद्रव ऐसा नहीं होता था। इसके पीछे कारण क्या था कि मातली नाम के उनके गुरु या उनको मार्गदर्शन करने वाले गुरु ने ययाति को कहा था, ययाति ने पूछा था कि मैं राजा हूँ, राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को सुखी रखें, प्रजा का ध्यान रखें, प्रजा को देखें, और मैं प्रजा को सुखी करने के लिए मुझे क्या करना है, यह वो अपने ऋषि अपने गुरु से पूछ रहे थे। गुरु ने कहा कि पालनकर्ता पोषणकर्ता इस जग में है ययाति महाराज, केवल विष्णु भगवान कहलाए जाते हैं, वैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, और शिवजी अंत में मोक्ष देने वाले कहलाए गए। अगर तुम पालन पोषण करता हो तो भगवान विष्णु की साधना, सारे राज्य में तुम्हारे कितने भी लोग हैं उन सभी को विष्णु की साधनाएं बता दो, विष्णु की आराधना बोलो। मैं तुम्हें गुरु के नाते कहता हूं कि तुम्हारे इस राज्य में किसी प्रकार का दुख अगर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, उपद्रव नहीं आएंगे, अकाल मरण नहीं होगा, वर्षा होगी, धन धान्य समृद्धि होगी, अन्याय नहीं होगा, उस साधना को आप करवाओ, ऐसा मातली नाम के उस महान मुनि ने ययाति महाराज को कहा। और ययाति महाराज ने दूसरे दिन दंडोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य में सभी लोग विष्णु भक्त बन जाए और जो मंत्र मातली महर्षि ने दिया है उसको करें। थोड़े लोग अपने पास भी ऐसे होते हैं, हम नहीं करते, हम भगवान शिव के भक्त हैं, कोई कहने लगा हम ब्रह्मा के भक्त हैं, लेकिन वो था राजा, और राजा किस तरह होता है आपको पता है। राजा ने कहा अगर मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारी गलती पर मैं शिक्षा दे सकता हूँ तो तुम्हारे को मैं फल भी दे सकता हूँ, और तुम्हारी अच्छाई बुराई देखता हूँ तो तुम्हें शिक्षा भी दे सकता हूँ। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मेरे राज्य में सब कुछ ठीक हो तो मैं जो कह रहा हूँ वो कार्य तुम्हें करना, तुम्हें विष्णु भक्ति करनी ही है। सभी को उन्होंने कह दिया कि विष्णु भक्ति करनी, विष्णु भक्ति में सब लोग जैसा महाराजा ने जैसे मातली महावन ने कहा। ययाति का राज्य भगवान इंद्र ने देखकर आश्चर्य करने लगे कि किसी देवताओं को नहीं, केवल विष्णु भगवान की उस स्तुति में, विष्णु भगवान की उस भक्ति में सब लोग लीन हुए। अब सब लोगों ने पूर्ण भक्ति के साथ राज्य आरम्भ कर दिया। ऐसे समय में शुक्राचार्य ने देखा कि राजा हो तो ऐसा, शुक्राचार्य को बेटी थी देवयानी, शुक्राचार्य ने कहा राजा ययाति मैं अपनी बेटी को तुम्हें प्रदान करता हूँ। और एक ऋषि भी थे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी शर्मिष्ठा को भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। उन दोनों के साथ महाराज ययाति की शादी हुई। ययाति अपने सारे भारत में, सारे ब्रह्मांड में सब तरफ राज्य को देते हुए सभी लोगों का प्रेम मतलब पूछ रहे थे। एक दिन फिर मातली महामुनि आए तो उन्होंने पूछा कि राज्य कैसा चल रहा है, तो कहा कि हे महर्षि आपके कहने पर मैंने राज्य में विष्णु भक्ति का निर्माण किया है और सब लोग सुखी सुख और समृद्धि है। ययाति ने कहा हे महामुनि इन सभी को सुखी देखकर, इन सभी को उपद्रव रहित देखकर मैं अपने आप को निरंतर अकर्मण्य महसूस कर रहा हूँ, मेरा कोई काम ही नहीं है, वो लोग विष्णु भक्ति कर रहे हैं और सब लोग आनंदित हैं, मैं भी राज्य कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा काम बोलो कि मैं भी आनंदित हूँ, मैं भी कोई कर्म करूँ। तब मातली ने कहा कि इसको कि मेरा राज्य सब आनंदित है, मैं भी आनंदित हूँ, इसका इसको ये भ्रम है, इसका इसमें गर्व आ गया है और ये बात ये कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि हे ययाति महर्षि महाराजा आप तीर्थाटन करो, भारत में जितने भी तीर्थ है उसके उसका दर्शन करके आओ, दर्शन करके आने के बाद आप अगर उस तीर्थाटन में आपको लगा कि देवताएं हैं, विष्णु भक्ति के बारे में आपकी जितनी श्रेष्ठता है, आप सभी लोगों में विष्णु भक्ति देखते हैं, तो आपको वो आनंद और वो कर्म का आनंद प्राप्त होगा। ययाति महाराज अपना राज्य छोड़ कर तीर्थाटन के निकले। उनको चार पुत्र थे, उसमें पूर्व नाम का भी एक पुत्र था, वो राज्य उनको देकर अब तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन में जाते जाते उन्होंने एक जगह देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर कि जिसकी सुंदरता के बारे में कहा नहीं जाता। मातली महामुनि ने कहा कि यह ययाति महर्षि कहाँ तक अपने राज्य को कर रहा है। इंद्र ने कहा कि यह अपना राज्य चला रहा है
मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, केवल विष्णु को ही पूछते हैं, बाकी के अस्तित्व वालों नवग्रहों इंद्रादि देवताओं को नहीं पूछ रहा है। तो उन्होंने इंद्र ने पूछा, हे कामदेव, इस ययाति महाराज को कुछ थोड़ा सा भटका दो ना, भटका देने के बाद दो यह मेरी पूजा करेगा, आप कुछ काम करो। तब उन्होंने एक कार्य किया कि जब तीर्थाटन कर रहे थे महाराज ययाति, तो उनके नजर में एक बहुत सुंदर सी स्त्री दिखी, इतनी सुंदर कि उसकी सुंदरता के सामने दूसरी स्त्रियां कोई काम नहीं आती, और उनकी दृष्टि ययाति महाराज की दृष्टि उस सुंदर स्त्री पर पड़ी। सुंदर स्त्री पर पड़ने के बाद जाके ययाति ने महाराजा से डायरेक्ट जाके पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन भी हो, जो कोई भी हो, मैं तुम्हारी सुंदरता से आकर्षित हो गया हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मातली महावर ने कहा, फंस गया, मैं जो चाहता था ये महाराजा है, फंस गया, ये तो काम इसका हो गया। उसके पास गया तो उसने कहा कि अगर आप, मैं सुंदरी हूँ, मुझसे बात करने का आपको अधिकार नहीं है, मेरी जो सहचरी है उससे बात करो, मेरे पास आने का भी अधिकार नहीं है, यानी महाराज का गिर घुमा, मैं राजा और ये सारी मेरी सहचरी से बात कर रही, उस पैसे बात करने के लिए भी आगे पीछे हो रही,